जय माँ भवानी, जय राजपूताना सभी भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं प्रीतम सिंह लोधी के बारे में कि उन्होंने भाजपा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन क्या उनके समर्थक, क्या उनके चाहने वाले, क्या उनकी जनता उनके साथ में है। चलो बात करते हैं तथ्यों पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जब से प्रीतम सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, तब से एक बड़ा सैलाब आया था मध्य प्रदेश में और एक बड़ी जनसंख्या प्रीतम सिंह लोधी के साथ में खड़ी दिखाई दे रही थी। जयस, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा, तमाम SC ST ओबीसी के संगठन प्रीतम सिंह लोधी के साथ में खड़े हुए और तथा तमाम वो व्यक्ति भी खड़े हुए जो लोधी समाज चिल्लाते रहते हैं, वो सब लोग इनके साथ में खड़े थे। लेकिन वर्तमान में जैसे ही प्रीतम सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आज तथ्य पलट गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों की मानसिकता बिल्कुल से चेंज हो गई है। जो लोग लोधी के साथ में खड़े होने की बात करते थे, जो लोधी राजपूत एकता की बात करते थे, जो जाति प्रेम में बंधे हुए थे, वो लोग आज भटके हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ओबीसी ओबीसी चिल्लाते थे, आज वो एक ओबीसी प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं फेसबुक चला रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हो रही हैं जो प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ थी। जैसे कि एक व्यक्ति ने पोस्ट किया हुआ था कि प्रीतम सिंह लोधी नकली टाइगर हैं, अब वो धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों का अमृत पियेंगे, जिसे चरणामृत बोलते हैं। एक व्यक्ति की पोस्ट थी कि प्रीतम सिंह लोधी ने थूका हुआ चाट लिया है, अनाप शनाप बातें, उनको गुलाम, उनको थूका हुआ चाटा, नकली टाइगर, औकात, पता नहीं क्या क्या उनको अनाप शनाप लोग बके जा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो अभी कुछ समय पहले प्रीतम सिंह लोधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे और उनके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल माहौल बदल गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नकली प्रेम की, नकली दिखावे वाले प्रेम की, क्योंकि ये वही लोग हैं जो प्रीतम सिंह लोधी को सपोर्ट करने की बात करते थे। क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि प्रीतम सिंह एक लोधी थे, क्योंकि प्रीतम सिंह एक ओबीसी थे। जितने भी ओबीसी संगठन थे प्रीतम सिंह के साथ में इसलिए थे कि वो ओबीसी थे, या फिर इसलिए थे कि वो भाजपा से निकाल दिए गए थे। ऐसे ही तमाम कांग्रेस और अन्य दल जितने भी हैं, या फिर जो जाति प्रेम में बंधे हुए हैं, वे प्रीतम सिंह के साथ में इसलिए थे कि वो लोधी हैं, या फिर इसलिए थे कि वो ब्राह्मण के खिलाफ हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। जब वो फिर से अपने भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो ये लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। अबे शर्म करो, शर्म करो, अभी तो तुम उनके साथ में खड़े थे समाज के नाते, ओबीसी के नाते। आज क्या प्रीतम सिंह लोधी नहीं रहे, क्या प्रीतम सिंह ओबीसी ने रहे? समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप एक लोधी हो तो आपको प्रीतम सिंह का सपोर्ट करना चाहिए, और अगर आप ओबीसी हो तब भी आपको प्रीतम सिंह का सपोर्ट करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि वो किस पार्टी में है, मायने नहीं रखता है वो किस संगठन में है। दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय माँ भवानी।